हेलो एवरीवन। सो आज है नमिश का बर्थडे, हम लोग उसको सरप्राइज देने के लिए बिना किसी को बताए जा रहे हैं। हम उनका रिएक्शन देखते हैं कैसा रहेगा। ये मेरे भैया, ये मेरी श्रेयसी और ये भी भाभी। इतनी रात को कौन आया? 12 बजने वाला है। कोई तो बेल बजाए। और कौन है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। What a surprise! अरे थोड़ा सा खुश। ये तो और क्यों मार रही हो? ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। सुरभि कल की डेट में आने वाली थी, तो सुरभि आज आ गई अपने भैया भाभी के साथ। क्या हमारी ऑडियंस बेवकूफ है? क्या उनको पता नहीं है कि वो लोग आ चुके हैं? साफ साफ पता चल रहा है कि सीन को रिक्रिएट किया गया है। लगा था नहीं, नहीं नहीं लगा बेटा, नहीं नहीं। देखो मैंने क्या बोला था। नहीं 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 लगा। अच्छा चुप ले। चाची हो रमेश? नहीं रमेश, उसके चाची बोलेंगे। ए हां रमेश, प्रमेश नहीं बेटा, मैंने हाथ मत पकड़ो उसका। हाथ मत, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। पर हाथ मत लगेगा। पापा को क्या है? चाची को, चाची को दिखाओ, निशान दिखाओ। हां तो कपड़े में भी लग गया। निशान दिखाओ, एकदम क्लोज अप शॉट लगा तुम्हारा। अब जाके तो नींद कंप्लीट हुई है। दिन में अगर एक डेढ़ घंटा सो लो ना, तब ऐसा लगता है कि शरीर का तापमान बराबर हो गया। चलो बड़ी बुई बुला रही है। मुझे बहुत नींद आ रही है। उठो जाके देखो पहले क्या हो रहा है। नमीश झगड़ा कर रहा है। इधर ये फोटो सेशन ये हुआ, देखो क्या यार। सीरियसली इतना बढ़िया फुटेज आ रहा है यहाँ पे ना, मैं बता नहीं सकता। भाभी कैमरा आ जाए, इतनी शर्मा रही जैसे कि कौन खड़ा है। चेहरा का रंग कहाँ है? उड़ा खुरपी चाह रही है कि आप चल के डेकोरेशन का सामान लेके आओ खुरपी के साथ, लेकिन जा ले। खुरपी का वैसे पेट दर्द हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा आज ही हवा में जाना चाह रही है। फिर वो चाय पी रही है। अरे ये रहा, क्या में क्या दोगे? वरना कोई विश्वास नहीं। अभी एसिडिटी हुई थी ना, पूरे पूरे ब्लॉग में बता रहे हैं को गैस हुआ है। जी अपने घर में बना लिए। एक्चुअली बाहर से कहीं से बदबू आ रही थी, हमें डाउट था कि हमारे घर में कहीं चूहा सोफे के अंदर घुसा हुआ है। हमने पूरा घर उठा कर डाला, नहीं मिला। बाहर चूहा बाहर है, बाहर एक जूते में जो है वो पड़ा हुआ था। जूते में? जूते के अंदर था। जना कहाँ मिल गया? हमने डेड बॉडी ढूंढ निकाली है। CID को फोन करने की जरूरत नहीं है। सोलार केक क्यों मंगवाए? क्योंकि मेरे को अच्छा लगा। अगर केक खानी है तो सब लोग कैप लगाओ। नहीं नहीं, हम सब लोग एक बराबर हैं। मेरे को ब्लू कलर, कोई बड़ा छोटा नहीं, सबके लिए एक साइज। सबसे पहले आपका ही फोटो होगा। श्रेयसी कहाँ है? श्रेयसी कह रही है कहाँ उधर होगी ना। श्रेयसी बनाओ वीडियो। अरे कैंडल तो चलाओ। लावे लेते हैं ना, लावे कृष्ण रिकॉर्डिंग। अरे मेरे मुंह में दिखाओ क्या? आओ घर में जाओ, गिर
बच्चों को मना नहीं कर रहा है। अरे पहले यही मेरा मुंह में आ रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब है हमारे इस ब्लॉग की शान सुरभि दुबे। अरे इसके बिना नहीं मिलेगा केक। इसके बिना केक नहीं मिलेगा। मैंने लगाया था। नहीं तो लगाया था नहीं लगाना है। बर्थडे बर्थडे पास लगाना ही पड़ेगा। इसके बिना नहीं मिलेगा। चलो 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 बच्चू के बर्थडे में बड़ा वाला केक आता था। आधे केक में सबको निपटाते थे और आधा सिर्फ मैं चोरी से खाते थे। आधा फ्रिज में सबके जाने के बाद निकाल के तब खाते थे। आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है, चार दिनों के बाद सुबह आ गई है, लेकिन इसके चेहरे पे उदासी अभी भी है। उसकी एक वजह है कि इसकी भाभी भैया और श्रेयसी वो सब लोग आए हुए हैं और वो सब आज चले जाएंगे, तो इतना दुखी होती है ना उनको ले करके। क्या करूँ, वो कमी तो मैं भी नहीं पूरी कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। कोशिश क्या, मुझे करना ही है पूरी तरह से सुरभि को खुश रखने का। खाना खाइए और भी खुश हो जाइए। अब देखिए हाँ, खाना खाने के बाद लोग टाइम पास कर रहे हैं मेरे शादी की सीढ़ी देख करके।
रात के 12 बज गए, सब लोग धीरे धीरे निकल गए, दिन सही से नहीं है, खाना सब उल्टा पुल्टा, अब दो दिन पूरा टॉक्सिटी निकालने में चला जाएगा। घर के जैसे बड़े लोग गए, सब के सब एकदम जैसे आजाद हो गए, तो ये सारा बकवास अब रात भर चलने वाला है, 2-3 बजे तक। तो इसीलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। जब ये अच्छा लगा तो आने वाले व्लॉग और भी अच्छे लगेंगे आपको। तो बस मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।